वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जो आप पढ़ेंगे दैट विल बी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो दोनों में फर्क क्या है बेटा, पहले थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में सुन लेते हैं कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था कि जो न्यू पार्टनर होगा वो अपना कैपिटल लेकर के आता था, पर दे विल गिव यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल बट हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन। देन आप करते क्या थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जब वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आता था। न्यू पार्टनर का प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए क्या करते थे कि आप सबसे पहले क्या करते थे, टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल निकाल लेते थे। किसका निकाल लेते थे, ओल्ड पार्टनर का, मतलब आफ्टर गिविंग रिवैल्यूएशन, आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो आज जो सेकंड पॉइंट है वो आपका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब आपका करना है आपको न्यू पार्टनर के बेस पे। तो पिछले वीडियोस में था कि जो ओल्ड पार्टनर था वो उसका जो कैपिटल आप समराइज करते थे, उसके बाद आप बताते थे कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आएगा। आज बात होगी कि जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा, बोलेगा न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 1,05,000 शेयर, 1,00,000 रुपए के लिए वो, 1/5 शेयर के लिए वो 1,00,000 रुपए कैपिटल लेकर के आ रहा है। जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके बेस पे अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किसका कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। तो ध्यान सुनिए, पिछले वीडियो में था कि ओल्ड पार्टनर के बेस पे हम एडजस्ट करते थे न्यू का कैपिटल, अब जो आज का वीडियो है उसमें आप न्यू पार्टनर के बेस पे एडजस्ट करेंगे ओल्ड का कैपिटल। सर ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसे बेटा कि सपोज कि 1/5 शेयर के लिए सी आ रहा है, सी आपका नया पार्टनर है, कितना लेकर के 1,00,000 रुपए लेकर के। तो इफ 1/5 शेयर दैट इज गिवन बाय सी, दिस इज न्यू पार्टनर बन रहा है, आप करेंगे टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी कितना हो जाएगा, इसी 1,00,000 रुपए का 5/12। ये आपको मैंने गुडविल के कंसेप्ट में बताया था किस तरीके से जो चीजें होती हैं, जैसे गुडविल वाले में ऐसा बताया गया था 1/5 शेयर के लिए अगर 1,00,000 रुपए लेकर के आ रहा हूं, बोलेगा सी, देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 5,00,000। हाउ वेल दैट इज 5/12, पूरे फर्म में कितना कितना होना चाहिए 5,00,000। तो आपको निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सपोज दैट वो रेशियो आपका आ गया 2:2:1, कितना है 2:2:1, कौन पार्टनर है ए बी सी, तो ए का कितना हुआ 2/5, बी का कितना हुआ 2/5, सी का कितना हुआ 1/5। तो सी 1/5 के लिए 1,00,000 रुपए लेकर क्या है, फिर सी बोलेगा ए और बी का कितना होना चाहिए, तो आप लिखेंगे ए इज न्यू कैपिटल, ए का नया कैपिटल होना चाहिए इसी 5,00,000 रुपए का 2/5, इस बी का भी सेम क्योंकि उसका भी 2/5 है, बी इज न्यू कैपिटल शुड बी 5,00,000 का 2/5। तो आप देख रहे हैं यहां पर कितना आ रहा है 4,00,000 फॉर ए एंड 4,00,000 फॉर बी, मीन्स कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 5,00,000, 4,00,000 ए का होना चाहिए, 4,00,000 बी का होना चाहिए और 1,00,000 किसका होना चाहिए, सी का होना चाहिए। तो ये आपका कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या सर जब हम ए और बी का टोटल एडजस्टमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो क्या ए और बी का कैपिटल 4,00,000 4,00,000 पर फिक्स आएगा, अगर आ गया तो कोई बात नहीं क्योंकि केस सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन सपोज दैट अगर ए का कैपिटल 4,00,000 रुपए नहीं बल्कि 3,50,000 ही है, जब आप टू बैलेंस सी भी निकालते हो तो ए को 50,000 पे करना पड़ेगा, उसका कैपिटल 4,00,000 से ज्यादा आ गया, जितना आप स्पेसिफाई किया उससे ज्यादा आ गया, तो वो अपना 50,000 या जितना भी ज्यादा आएगा वो अपना पैसा निकाल लेगा। सेम केस ए और बी में भी होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है, जब वो पैसा डालेगा कौन डालेगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कम पड़ रहा था न्यू पार्टनर के हिसाब से, न्यू पार्टनर ने बोला था 4,00,000 होना चाहिए, लेकिन आपका कैपिटल हमने टू बैलेंस से भी निकाला तो 3,50,000 रुपए है। एट दैट टाइम न्यू पार्टनर हैव टू ब्रिंग इन कैश, उसको कैश में पैसा देना पड़ेगा, कितना 50,000, जब वो कैश में पैसा देगा तो बाई कैश या बाई बैंक ही होगा, अगर चेक दिया तो, अगर उसने पैसा निकाल लिया उसका एक्सेस था तो टू कैश या टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर सर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि वो जो एडजस्टमेंट है, जो पैसा की कमी पड़ रही है, जो पैसा एक्सेस और उसको निकालेगा या डालेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश विल बी ब्रिंग अ कैश विल बी विड्रॉन,
दैट कंडीशन यू विल यूज करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कैश निकाल कर एडजस्टमेंट होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको करना होगा जो पैसा कम होगा या जो पैसा ज्यादा होगा वहां पर एडजस्टमेंट होगा करंट अकाउंट से। तो शायद आपको इतना जो आसानी से समझना है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे आपको क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि ये पेटर चीज है जिंदगी में शायद सकता है उतना कम समझ में है। तो क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, पुरानी बुक में 80 है, जो न्यू बुक में बेटा 82 या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो एक्स एंड वाई देयर आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर है बेटा, इनका कैपिटल गिवन है, बैलेंस शीट गिवन आपके सामने, सिंडिकेटेड 25,000 का, रिजर्व फंड भी गिवन 18,000 का, कैपिटल अकाउंट है 75,000 का और 60,000 का वाई का है, असेट्स भी गिवन है। इसके बाद एडमिशन के टाइम में दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1st अप्रैल 2018 द फॉलोइंग टर्म्स। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर जेड का एडमिशन हो रहा है, देर आर टू पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो अवेलेबल बिफोर द एडमिशन ऑफ जेड, नेम एक्स एंड वाई, देयर कैरेक्टर वर 75,000 and 62,000, न्यू पार्टनर इज कमिंग इन द बिजनेस, नेम जेड, जेड आ रहा है। तो कुछ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जेड ब्रिंग्स कैश, सॉरी जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज अ कैपिटल एंड ही गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सो जेड जो है कैपिटल का 40,000 रुपए देगा और उसको शेयर कितना मिलेगा, 1/4। इन्वेस्टमेंट सॉरी जेड ब्रिंग्स 15,000 फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल और हाफ गुडविल विल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 10,000 x ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट जो कितने का वैल्यूएशन किया गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किया गया 10,000 का और x ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड इंटरेस्ट इज 10% एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटेन ऑफ एज अ बैड डेट हैज प्रॉमिस्ड टू पे 1,000। तो एक डेटर है जो अब रिकवरी के लिए तैयार है, कह रहा है कि मैं 1,000 आई विल पे 1,000। बट स्टूडेंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहले जो प्रॉमिस की एंट्री नहीं होती थी, अगर कोई लेटर प्रॉमिस करता था कि मैं प्रॉमिस कर दूंगा तब तक की कोई एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अब कंसीडर किया जाने लगा कि प्रॉमिस की भी एंट्री होगी, तो उसको भी आपको करना होगा। बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, देखो जिसकी मैं बात कर रहा था कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश कैपिटल, द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनल ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस लाइन में ये मेन पॉइंट है, एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट को आप तभी पढ़ेंगे जब आपका सारा काम हो जाए, बाद में पढ़ा जाता है एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं कि जो है अभी से सीरियस हो जाए। तो एडजस्टमेंट के लिए जो लास्ट पॉइंट बोला है कि बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, अगर किसी का पैसा कम होगा तो कैश लेकर के आएगा, किसी का पैसा ज्यादा होगा तो कैश लेकर के जाएगा। ब्रिंगिंग का मतलब लाना है और विड्रॉइंग का मतलब निकाल लेना है। तो पैसा निकाल के भी और डाल करके भी जो है कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेड, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। इसके बाद इन्फॉर्मेशन है पास जनरल एंट्री प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज है क्योंकि आप जनरल एंट्री से काफी दूर भागते हो, तो जनरल एंट्री के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि जनरल एंट्री कैसे होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने फॉर्मल बना रखा है जनरल एंट्री का, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिख देता हूँ, ये यहाँ पे 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी भी यही क्वेश्चन 82 आप कर लीजिएगा, जैसे माल वाला क्वेश्चन है का मैं क्वेश्चन लिख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले स्टूडेंट बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, कुछ बटने लायक तो नहीं है, रिजर्व फंड ने बढ़ने लाए, तो आप बात करिए रिजर्व फंड कितना बढ़ जाएगा आपका, कितना गिवन है बेटा 18,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1, तो बांट दीजिए आप, आपका हो जाएगा कोई रिजर्व फंड होगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट हो जाता है, रिजर्व फंड ने काम किया है बैलेंस शीट के अंदर था, हम बैलेंस शीट से शुरू कर रहे ऊपर से ही, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट कितना है 18,000 रेशियो क्या है, रेशियो है आपका 2:1 18,000 को बांटेंगे तो एक के फेवर में जाएगा 12,000 और इनके फेवर में जाएगा 6,000। ओके ये पहले भी दिया आपके ऊपर, इसके बाद है, इसके बाद ध्यान से देखते रहिए आपका है जेड जो है कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो जेड जितना बेटा कैपिटल लेकर के आ रहा है उसको छोड़ो भी, कैपिटल बाद में ले लिया जाएगा या भी चलो अभी कर देते हैं जेड के कैपिटल की एंट्री। तो पहली लाइन से करते हैं पहले पॉइंट की एंट्री, जेड जो 40,000 कैपिटल का लेकर के आ रहा है तो कैसे एंट्री हो जाएगी, कैसे अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश लेकर के आएगा, तो फटाफट लिखो कैश अकाउंट डेबिट कैश 40,000 है, 15,000 फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, तो कैश
और वो मिला के कितना हो जाएगा 55,000। टू कैपिटल इसका जेड का कैपिटल, टू जेड कैपिटल, जो जेड ने आपको 55,000 दिया तो 55,000 कैपिटल है 15,000 फॉर द रूम। तो आपको ध्यान पड़ेगा कि जेड का कैपिटल आपको हो जाएगा इसमें से 40,000 एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज प्रीमियम फॉर रूम, टू प्रीमियम फॉर रूम कितना हो जाएगा 15,000। अब आपको पहले से पता है कि प्रीमियम फॉर रूम को रखते नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे ना मेंटेन के लिए बड़ा ज्यादा जगह नहीं यहां पे। तो इसके बाद जो है प्रीमियम फॉर रूम को क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर रूम को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो बनाना कर सकते हैं। तो फटाफट बांटो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 15,000। तो 15,000 में सबसे पहला क्या है, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल कर दीजिएगा। बड़े जो 15,000 है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो रेशियो तो 1/4 से कौन आ रहा है, 1/4 क्लियर आ रहा है कौन जेड। और आपको बताया गया कि अगर कोई नया पार्टनर किसी शेयर के लिए आता है उस शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, जो आपका ओल्ड रेशियो होगा, वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो आप 15,000 को डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, इसको डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ए को मिलेगा 10,000 कर दीजिएगा और ए को मिलेगा 5,000 किस रेशियो में गया, ये 2:1 डिवाइड। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन के बारे में, पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट और वैल्यू रेट 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कंसिडर की गई 10,000, इन्वेस्टमेंट बैलेंस के इनसाइड इनसाइड बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट आपका है 8,000 का, 8,000 से कितना कंसिडर किया गया 2,000। अगर आपका असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, आप यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ा 2,000 से। आगे बढ़ो, इसके बाद बोला है कि दैट इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर, दैट इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय यक्स, तो यक्स को इस इन्वेस्टमेंट को ले लिया, तो सिंपली मैं आपसे कहता हूं फलाने पढ़ लो। इसके बाद फोर्थ इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएट होने की बात किया, कम होने की बात किया, लेकिन अगर फिफ्थ इन्फॉर्मेशन को हम देखें तो बोला है कि एन ओल्ड कस्टमर हूज अकाउंट वाज ब्रोकन अप ऑन द बैंक डेट हैड प्रॉमिस टू पे, तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपए आपको मिलने वाला है। अगर आपको मिले कोई मिलने वाला मतलब आपका रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा, और रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा तो उसी नंबर पे जाएगा, असल तो आपका बढ़ता है तो जरूर होता है, दूसरे अकाउंट में होता है क्या सैलरी रिटर्न कितने से बढ़ रहा है 1,000 रुपए से। टू आपका हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन, आप रिवैल्यूएशन करने जाएंगे सीधा, अकाउंट बना के नहीं कर सकते थे लेकिन क्वेश्चन बोला जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री बना के आपको करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्टमेंट हाफ इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट यह था 2,000 का, इन्वेस्टमेंट कितना था पूरा 8,000। क्वेश्चन नंबर देख लो आप, क्वेश्चन नंबर आपका है 18 न्यू बुक में एडिट होगा, तो इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 था, बाहर अंदर कितना था 8,000 का, तो 8,000 में इन्वेस्टमेंट को कितना बना दिया गया 10,000, 2,000 इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कितने ले लिया, उस इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, उस इन्वेस्टमेंट को जो लिया है वो है यक्स, तो क्या है लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर यक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, तो आप लिखेंगे जब इन्वेस्टमेंट ले लिया तो यक्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, यक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके पास से चला गया कितने के रेट में लिया उसने 10,000, ये 10,000 लगा देंगे, नेक्स्ट मेंटेन कर लीजिए बेटा बी इन्वेस्टमेंट टेकिंग ओवर बाय एक्स को आप कर लेंगे इन्वेस्टमेंट ले लिया। इसके बाद अब बात करते हैं थर्ड इन्फॉर्मेशन की, इन्वेस्टमेंट तो हो गया, फोर्थ इन्फॉर्मेशन टाइपराइटर को डेप्रिसिएट किया गया 20% से और फिनिशर को डेप्रिसिएट किया गया 10% मिला। टाइपराइटर कितने का है गिवन 5,000 का, 5,000 का 20% 1,000, और इसके बाद असेट्स कितना गिना गिवन है फिक्स असेट्स 1,37,500 10% डेप्रिसिएट होगा। जब आपका असेट्स जो है डेप्रिसिएट होता है कितना जाता है टू साइड में, वैसे भी आपको पता होना चाहिए अगर आपका असेट बढ़ता है असेट्स हमेशा डबल से बढ़ता है, जैसे मैंने यहां पे 2,000,000 को बढ़ाया है, और घटेगा तो क्रेडिट से घटेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा ऊपर, रिवैल्यूएशन अकाउंट
का डेफिनेशन लेता हूँ। डेबिट क्या क्या डिक्रीज हुआ है? सबसे पहले टाइपराइटर आपका डिक्रीज हुआ है 1000 से, और इसके बाद आपका क्या डिक्रीज हुआ है? सिग्नेचर्स 2 सिग्नेचर्स कितने से? 13,700 1% का देखो हो जाएगा तो आपका टोटल हो गया 14,700। ठीक है, ये हो चुका है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट को किसमें लिया? यस में, इसके बाद इवेल्युएशन में आपको जो इसका लॉस हो चुका है, मतलब आपका जो है डिक्रीज हो चुका है। अब स्टूडेंट, अगर आप ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हो, तब आप क्या करते हैं? आप टोटल क्रेडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी टोटल क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन माइनस टोटल डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब सबसे पहले हम टोटल डेबिट देखेंगे रिवैल्यूएशन में कितना है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 3,000 रुपए और डेबिट साइड में लिखा है 14,700 रुपए। देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपको लिखा 3,000 और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा आपको 14,700 और क्रेडिट में लिखा 3,700 रुपए। तो 14,700 ये लॉस का है, 3,000 आपके प्लस का है। 14,700 में से अगर आप 3,000 माइनस कर देंगे, देखो आपका डेबिट का रिवैल्यूएशन कितना है 14,700, क्रेडिट का कितना है 3,000 रुपए। अगर स्टेटमेंट मतलब वैसे ही करते आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आंसर आप देख सकते हैं 11,700 का जो है लॉस आया है। जब लॉस बढ़ता है तो पार्टनर का कैपिटल क्या होता है? डेबिट होता है। वैसे भी डेबिट कैपिटल खत्म करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। डेबिट आपको कितने से? 14,700 से डेबिट। एक बार 3,000 क्रेडिट हो चुका है, 11,700 से क्रेडिट करना बाकी है। तो लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन ये क्या है? ये आपका लॉस है। कितना? 11,700। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल कितना हो जाएगा? तो उसको आप डिवाइड में बेटा 11,700 को एक के टेबल में जाएगा 7,800 और इनके टेबल में जाएगा 3,900। ये रिवैल्यूएशन का लॉस है 11,700 दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। रेशियो कितना गिवन है? 2:1। तो 2:1 में आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 7,800 फॉर एक्स एंड 3,900 फॉर वाई। ये आपका टोटल जो है रिवैल्यूएशन का लॉस कंप्लीट हो चुका है। एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट किया, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद और भी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन और बच रहा है बेटा आपका कि जेट ने जो गुडविल का पैसा दिया उसका आधा पैसा कौन ले लेगा? देखो क्या बोला है कि जेट ब्रिंग 15% फॉर द गुडविल हाफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो आधा पैसा वो निकाल लेंगे। जब पार्टनर पैसा निकालते हैं तो डेबिट हो जाता है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वो पैसा निकाल लेंगे यहां पर। कितना दिए हैं गुडविल का? कितना पैसा मिला था? 1,2,10,000, 1,5,000। तो 5,000 ये निकाल लेंगे और आधा निकालना है 2,500 ये निकालेंगे। टोटल गुडविल में से सॉरी 5,000 फॉर एक्स एंड 2,500 फॉर वाई, 7,500 निकल जाएगा। ठीक, गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, सारी चीजें मैं बोला आपको। क्योंकि अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, तो इतना नोट कर लीजिए फटाक से पहले। तो थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है, आपने थोड़ा सा शरीर भी स्टोर बना लिया है। ये इंडिया में नोट कर लीजिए, नहीं नोट किया तो बताइए रेस करना पड़ेगा इसको ना। नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक है। देखो एक इंट्री मैं रेस कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ बस ये इंट्री जिसमें रिवैल्यूएशन आपका हुआ था एसेट्स का, तो इसको आप थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा ताकि कुछ आइटम मैं लिख पाऊं। ठीक है, और ये एक्स एंड ये लॉस है, ये वैसे तो पैसा था, इसको पुट करने के बाद जो मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैसे स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट? सबसे पहले आपको जो है निकालना पड़ेगा बैलेंस। रखिए बैलेंस में कैपिटल कितना गिवन है? एक्स का 75,000 और वाई का 60,000। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी इधर है ना, 75,000 62,000। चलो ये हो गया। इसके बाद अब रिजर्व फंड आपको बांटा था। देखो एंट्री का रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टीएक्स वाई वाले वाई रिजर्व फंड उठा जाता है ना, बनता है। तो जो चीजें बना रहे हैं बनाइए फटाफट। बाई रिजर्व फंड कितना?
12,000 और 6,000। इसको मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आपको सुनाएंगे दे रहा है, सुना तो नहीं रहा होगा, वर्ड में प्रॉब्लम तो कर लीजिएगा। 12,000 6,000। इसके बाद ये देखिए यहाँ से प्रीमियम का बुकिंग कैश लेकर क्या है जेट ने, तो पहले लिखिए कैश बाय कैश, किसका कैपिटल जेट का कैपिटल कितना लेकर क्या आया था 40,000। ठीक, इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, चलो कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल वो बताया यहां पे 10,000 और 5,000, इसको गुडविल के रूप में नहीं मिलेगा। ठीक, आगे चलते जाओ, यहाँ पे कोई पार्ट का नाम नहीं है, यहाँ पे भी नाम नहीं, सारी कैसे निकालिए इन्वेस्टमेंट देंगे तरफों पटाख से, टू इन्वेस्टमेंट यस ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था, कितने का इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 का, तो पटाख से 10,000। आगे बढ़ो, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था वो भी सीखो, टू रिवैल्यूएशन ये लॉस है कितना 7,800 एंड 3,900। इसके बाद ये हाफ पैसा हमने निकाल लिया था टू कैश अकाउंट, आधा आधा पैसा निकाल दिया किसका गुडविल का, तो इधर से निकलता बच्चे आपको पता है कि इनपुट होता है 5,000 एंड 2,500, ये जो है आप लगभग मिले आपकी, और देखिए कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, चलिए बताओ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फटाफट आपने कर दिया जैसे इधर से ले लिया या आपका गुडविल का पैसा हो गया, तो हमने टोटल कर दिया, आपने भी शायद कर दिया होगा, एक से 97 73 टोटल का ये क्रेडिट बैलेंस आया। जब आपने इसको क्या करना, आपको क्या करना, आपको क्या करना है यक्स के क्रेडिट में से यक्स का डेबिट माइनस कर दो, ऐसे सभी में होगा, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी आपने कैलकुलेट कितना है टू बैलेंस सीडी 74,200 इसका 66,600 और इसका 40,000 भी है। यस ठीक, टोटल लगा दो सेम फॉर्मेट सेम अमाउंट 97,000 73,000 और 40,000। अब इसी के बाद हमको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करना है ध्यान से देखिए, कैपिटल एडजस्टमेंट शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, आप लिखेंगे न्यू पार्टनर मतलब जेड, जेड शेयर कितने की जेड आया बेटा, जेड इज कमिंग इन द बिजनेस फॉर 1/4 शेयर, जेड शेयर 1/4, तो आप लिखेंगे इफ 1/4 शेयर इक्वल टू कितना कैपिटल है 40,000, 1/4 से इक्वल टू 40,000, तो आप लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड कितना हो जाएगा, कि भैया अगर मैंने 1/4 के इक्वल 40,000 दिया तो टोटल इक्वल कितना जाएगा 40,000 इंटू 1,60,000 फिर इसके बाद 60,000 में यक्स का कैपिटल कितना होना चाहिए, वाई का कैपिटल कितना होना चाहिए वो देखेंगे अभी, चलिए देखिए 1/4 से आ रहा है, ठीक, उनका रेशियो कौन सा फैक्टर लगेगा जब कोई पार्ट टाइम सी एस में आता है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनको पता है कि सर लेट का बाद में लगेगा, आपको करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर देंगे कि लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, पूरा प्रॉफिट कितना मान लिया 1, इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर जेड एडमिशन 1 - 1/4 कितना बचा 3/4, तो यक्स न्यू शेयर यक्स का नया शेयर 3/4 का 2/3, वाई न्यू शेयर ये आपको बताया गया कैसे निकाला जाता है 3/4 का 2/3 होगा क्या, कि सबसे पहले होगा
रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट 1/4 के कितना बचा 3/4 3/4 को दो लोग ने ले लेंगे एक एक्स दूसरा वाई एक्स का पुराना रेशियो क्या था 2:1 तो 2:1 ये आपका ओल्ड रेशियो था इसमें डिवाइड कर देंगे 3/4 का 2/3 3/4 का सॉरी 1/3 कर लीजिए तो 6/12 ऐसे कर दीजिए हमसे 3 कैंसिल 1/2 या इसको ऐसे रखिए 2/4 यहां से कैंसिल करिए 1/4 तो रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो आपका हो जाएगा न्यू रेशियो इक्वल टू एक्स वाई और जेड एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा एक्स का कितना है 2/4 इनका कितना है 1/4 इनका कितना है 1/4 मतलब 2:1:1 ये हो गया रेशियो और इसीलिए डिवाइड हो जाएगा तो 1,60,000 में अगर 2/4 से किसका है एक्स का एक्स के फेवर में कितना होना चाहिए 80,000 वाई का देखो 1,60,000 में वाई का कितना होना चाहिए 1/4 40,000 ठीक है अब इसी से आपको करना है कंपेयर देखिए कंपेयर कैसे करना है कंपेयर कैसे करना है कि एक्स का सेल कितना होना चाहिए 80,000 किसके हिसाब से न्यू पार्टनर के हिसाब से और एक्स का आया कितना है 74,200 एक आप ये पहले से साइड कर लीजिए अभी आपको एडिशन करना है वाई बैलेंस बीडी तो 74,200 एंड 66,600 एंड 40,000 ठीक है ये आपका आया अब बेटा देखो यहां पे ध्यान से कि कितना पैसा जो है हो जाएगा सबका 66,600 का नहीं है इसमें देख लो 66,600 चलो ठीक है अब हम करेंगे कि कौन कितना पैसा लेकर के आएगा सबसे पहले इनका लेना इनका कितना होना चाहिए 80,000 किसका एक्स वाई कितना 74,000 कितना पैसा ले लेंगे 600 ये पैसा कितना पे करेंगे 5,800 ना यहां लिखेंगे बाई बैंक मतलब सर 80,000 होना चाहिए 74,200 है अगर हम उनके अकाउंट में 5,800 करके देकर के आए कौन यस इफ यस बिल पे 5,800 उसने निकाला भाई बैंक से 5,800 डालेगा तो तू बैंक से कौन पैसा निकालेगा 26,600 के अकाउंट में पैसे की कमी थी यक्स विल ब्रिंग यक्स पैसा लेकर के आएगा 5,800 वाई विड्रॉ वाई निकाल लेगा 26,600 क्यों 26,600 निकाल लिया क्योंकि वाई का होना कितना चाहिए 40,000 है कितना 66,600 देन वाई विल विड्रॉ 26,600 आपको पता है कि ड्रॉइंग साइज होता है इस तरीके से जो है इनपुट होता है अब आप देखेंगे टू बैलेंस सीडी अब देखो फटाफट 80,000, 40,000 एंड 40,000 कुछ नहीं करने जरूरत है आपका कंट्रोल होता है यह आपका हो गया 80,000 यहां आपका 66,600 और यहां आपका है 40,000 यहां भी आपका 80,000 66,600 और यह आपका हो जाएगा कहीं कहीं जो है आपका एडिशनल आपको करना क्या होता है आपको निकालना होता है प्रॉफिट सेलिंग रेशियो जो भी आपने कैलकुलेट किया है कितना आया था 2:1:1 2/4 आपका पूरा कंडीशन था इसके बाद आपने क्या किया कि अगर 1/4 हो रहा है किसके हिसाब से जेड के हिसाब से देन टोटल कैपिटल आपका किस हिसाब से कितना हो जाएगा 4/4 इसी 1,60,000 के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2/4 1/4 और 1/4
80,000 से क्या कर ले कंपेयर कर ले, कौन से बैलेंस को कंपेयर करना, बिलिंग वाले बैलेंस को नहीं जो एडजस्टमेंट के बाद आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको बनानी बैलेंस शीट, इतना नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से। ओके बेटा, अब मैंने बैलेंस शीट का फिगर बना लिया, आपने साइन नोट कर लिया होगा। तो बैलेंस शीट के फिगर की हम क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट को देख करके बनाएंगे। पुरानी बैलेंस शीट सबसे पहले क्या है, पुरानी बैलेंस शीट पर क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना गिवन है 25,000, कोई चेंजिंग हुई नहीं थी, रख दीजिए 25,000। इसके बाद रिजर्व फंड आ गए, सिग्निफिकेंट है कैपिटल एक्स वाई एंड जेड आपने निकाल लिया है 80,000, 40,000 एंड 40,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फंड 1,60,000। इसके बाद चलिए आगे सन्ड्री डेटर्स, सॉरी कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक की आपको थोड़ा सा कमीशन करना पड़ेगा, कि मैं चाहूं यही दिखा सकता हूं कैश एंड बैंक। अंदर कितना गिवन है 5,000 अंदर गिवन है, वो कैपिटल का कितना लेकर के आया था 40,000। इसके बाद वो गुडविल का कितना लेकर के आया था 15,000। इसमें से हुआ क्या, इसमें से बेटा आपका 7,500 रुपए गुडविल का पैसा निकल गया, याद है 7,500 पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, हाफ पैसा निकाल दिया था। इसके बाद 5,800 रुपए कहां लेकर के आया, जब 5,800 आपको यस ने ला के दिया और 26,600 रुपए जो है किसने निकाल लिया, 26,600 किसने निकाल लिया, वाई। अब आपका टोटल अगर आप करेंगे टोटल देख लीजिए कितना आएगा, टोटल करके देखिए फटाक से कितना आ रहा है, हो जाएगा 31,700, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे बेटा इसके बाद आपका डेटर है, डेटर डेटर कितने का है 15,000 नहीं था, कितना माना जाएगा 16,000 के लिए नया डेटर आया था, जुड़ा मैं पेमेंट करूंगा। स्टॉक में तो कोई चेंजिंग नहीं है, रख दीजिए फटाक से 10,000। इन्वेस्टमेंट 8,000, टाइपराइटर सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है नहीं जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया है, कैसे ले लिया है, तो इन्वेस्टमेंट आप नहीं रखना है, इन्वेस्टमेंट आप टेकिंग हो पाइए इन्फॉर्मेशन। सर 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 नॉट इनफ स्पेस बता रहा, इसको करो पॉज करो। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स जो आपका कम हो चुका था, पहले कितना था, पहले आपका था 1,37,000 रुपए, इसमें से 13,700 माइनस हुआ था, तो ये आपका आ जाएगा 1,23,300 रुपए, रख दीजिए 123,300, ठीक है। ये हो जाएगा बस, और कुछ ज्यादा नहीं है, मैं चलिए फटाफट टोटल करें, फटाफट टोटल करिए स्टॉप टोटल कर लेंगे बेटा, तो इधर का आपका आ जाएगा 1,85,000 और इधर का भी आपका हो जाएगा 1,85,000। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सर आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बैलेंस शीट आप कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब ये चैप्टर तो आपका लगभग क्लोज हो चुका है, एडमिशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि अगली वीडियो में डिस्कस करूं, अगला जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। ओके थैंक यू।